क्रेमलिन अटैक के बाद अब रूस काउंटर अटैक के लिए बहुत गंभीर हो चुका है और जो लोग यूक्रेन पर हमले की निंदा कर रहे हैं उनके भी अब सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि रूस यूक्रेन के खात्मे के अलग अलग विकल्पों पर अब जिस तरीके से विचार किया जा रहा है बड़ी खबरें हमारे पास है क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ साइबर और स्पेस वॉर भी अब रूस छेड़ सकता है। हालांकि इस बारे में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल सामने होगी कि क्या अगर इस बार रशिया इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ता है तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे इस पर भी चर्चा क्योंकि क्रेमलिन हमले के बाद रूसी वॉर फ्रंट पर जिस तरीके की गहमा गहमी देखी जा रही है कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और इस बार सबसे तगड़ा रशियन अटैक अगर समीर होता है तो क्या वाकई ये गहमा गहमी ये हलचल जो अभी फ्रंट लाइन पर बनी हुई है वो पूरी तरीके से यूक्रेन को खत्म कर देगी। बिल्कुल यही बड़ा सवाल है। फाइनल अटैक के लिए रिजर्व फोर्स एक्टिव मोड पर आ चुकी है और कहा यह जा रहा है कि इस बार का जो अटैक होगा वो सबसे तगड़ा रशियन अटैक होगा। न्यूक्लियर फोर्स में भी अल्टरनेस लेकिन फिलहाल कोई अलर्टनेस है लेकिन फिलहाल कोई आदेश दिया नहीं गया है। न्यूक्लियर फोर्स को पर कर देना भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है समीर, इसलिए फिलहाल न्यूक्लियर हमले को सबसे अंतिम विकल्पों में रखा गया है और हमारे एक्सपर्ट्स भी लगातार यही बात कहते हैं कि रूस ऐसा कोई फैसला नहीं लेगा लेकिन 3 दिन के अंदर यूक्रेन पर बड़े मिसाइल अटैक की जो आशंका बनी हुई है वो कई बड़े सवाल खड़े कर रही है समीर। बिल्कुल पवन सिन्हा जी, आपका आकलन क्या कहता है, अगले 3 दिन क्या वाकई बहुत अहम है? देखिए जब बात शुरू हुई थी तब भी मैंने कहा था कि ये अटैक्स लगातार बढ़ेंगे और उसके थोड़ी देर बाद आपने ये ब्रेकिंग न्यूज क्रैक की कि अटैक्स एकदम से बढ़ गए हैं। राइट, तो ये लगातार बढ़ते चले जाएंगे। इन्फेंट्री का उपयोग इस वक्त बढ़ेगा, इस वक्त एयर पावर का मैक्सिमम शोडाउन होगा और धीरे 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 ये अटैक्स इतने इंटेंसिफाई होंगे कि चूंकि ये मंगल भी इधर कर्क में आ जाएगा तो हो सकता है अगर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं तो एटलीस्ट डर्टी बॉम्ब का प्रयोग रशिया इसमें कर दे 9 तारीख के आसपास। दत्ता सर आप इस बात को अग्री करते हैं क्योंकि ऐसे प्रयोग किए जा चुके हैं, कई ऐसे अटैक हो चुके हैं जहां पर हमने देखा कि कैसे केमिकल बॉम्ब्स का भी इस्तेमाल हुआ है इस वॉर फ्रंट में। देखिए ऐसा है कि न्यूक्लियर और जो डर्टी बॉम्ब ये दो अलग अलग प्रकार के हथियार हैं। डर्टी बॉम्ब होता है कि कोई न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल को हम हाई एक्सप्लोजिव के साथ जोड़ के उसको एक्सप्लोड कर दें, उससे क्या होता है कि एक लोकलाइज्ड जो रेडिएशन फैल जाता है और जान माल का ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। जो अभी हम जंग देख रहे हैं ये एक बड़ी सुपर पावर, एक मिलिट्री सुपर पावर रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही है और रशिया जो भी हथियार इस्तेमाल करेगा वो उस कैटेगरी के और उस कैलिबर के हथियार इस्तेमाल करेगा जिसका जमीन के ऊपर इफेक्ट होगा, चाहे वो किंजल मिसाइल हो चाहे दूसरे बंकर पेनिट्रेटिंग उनके मिसाइल्स हों। और उन्होंने चेतावनी दी है कि जो क्रेमलिन के ऊपर अटैक हुआ है वो एक टेररिस्ट अटैक है, नाउ दे हैव अ राइट टू हिट बैक एट ज़ेलेंस्की, ज़ेलेंस्की के ऊपर हमला कर सकते हैं अभी वो, और अगर वो ज़ेलेंस्की को टारगेट करेंगे तो उस समय वो उस प्रकार के हथियार या मिसाइल्स इस्तेमाल करेंगे जो ज़ेलेंस्की के बंकर को या उसके रहने की जगह को तबाह कर देंगे। ठीक है, तो पंडित अरविंद आपका ज्योतिष ज्ञान क्या कहता है, ग्रह नक्षत्र अगर भापे जाएं उनको आंकने की कोशिश की जाए तो आपका ज्ञान क्या कहता है पंडित अरविंद? जी देखिए ऐसा है, इस धारा में सूर्य और चंद्रमा का सबसे अत्यधिक रोल है। सूर्य और मतलब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये दो ही ग्रहण पड़ते हैं और दोनों ग्रहण का इस धारा में पूरा प्रभाव होता है। इस वर्ष का यदि आप आकलन करें तो हमारे जो टोटल ग्रहण हैं 4 ग्रहण पड़ रहे हैं जिसमें से भारत देश में सिर्फ एक दिख रहा है चंद्र ग्रहण, बाकी तीनों ये चारों ग्रहण बाहरी देशों में हैं। तो ग्रहण के विषय में तो ये सुनिश्चित है कि जब जब ग्रहण पड़ता है उसका अरिष्ट इस पूरी धारा में पड़ता है और जहाँ ग्रहण का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है वहाँ बहुत ज़्यादा इसका अरिष्ट प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले महाभारत का उदाहरण दिया, तो महाभारत काल में निश्चित रूप से एक महीने में यानी 15 दिन में एक ग्रहण और 15 दिन में एक ग्रहण, एक मास में 2 ग्रहण पड़े थे और वह वहाँ पर इसका विनाश ये हुआ था कि 18 अक्षौणी सेना हमारी मारी गई थी। उसी प्रकार अब जो ये ग्रहण पड़ जिसे आज का ही ले लें, आज का जो ग्रहण है ये उपछाया ग्रहण है और तुला राशि स्वाति नक्षत्र में पड़ रहा है जो कि तुला लग्न पुतिन की है। वहीं पे यदि आप देखें तो कर्क लग्न जो है जेलेंस्की की है, कर्क लग्न के साथ मंगल बैठा हुआ है जी, तो जी। मंगल उसके अंदर जुनून और जोश भर रहा है, वो व्यक्ति अंदर से लगभग खत्म हो चुका है
टूट चुका है, उसके बावजूद भी वह अपनी हिम्मत को हार ठीक है ठीक है बिल्कुल पंडित जी, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। हमारे साथ जो डिफेंस एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल बैठा हुआ है उनमें से कई डिफेंस एक्सपर्ट्स आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे, रिएक्ट भी करना चाह रहे हैं। बहुत कुछ है जो जानने की कोशिश होगी, और सबसे बड़ा सवाल तो सुरभि ये कि क्या ये वॉर कहीं वर्ल्ड वॉर में तब्दील तो नहीं हो जाएगी? ग्रह नक्षत्र भी क्या कहानी कह रहे हैं?